This call is now being recorded. वो तो देखने को मिलेगा। हम लोग स्पाइन सीधी रखते हैं, उसके बाद ध्यान मुद्रा में तीन बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओ ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे करता दमार्ग पर डट सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए वह शक्ति हमें दो दयानिधे मार्ग पर डट जाए हम दीन दुखी निबलोमित लोक सेवक बन संताप हरे ओ है बिछुड़े भूले को तार जाए वह शेष दम्भखंड झूठ दूर रहे हो शुद्ध सुना प्रेम सुना वह शक्ति हमें दो दयानिधे करता मार्ग पर डट जाए निज आन मान मरिया प्रभु इस देव भूमि में जन्म ली उसी वह शक्ति हमें तो दे पर सेवा पर हम निज जीवन सफल बना जाए समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर तीन की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर तीन के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं और उनका भी स्वागत है। वो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से संबद्ध हैं और हम वहाँ के तीन मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में एसपीएस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एसएस सराफ सर। इन तीन मनीषियों के अतिरिक्त हम अन्य गुरुओं ने भी उनको शिक्षा दिया है, हम उनके भी कृतज्ञ हैं, उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ का जो संस्थान का एक मुख्य मोटो है वो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन एंड ईच वन ट्रीट वन। तो वो जो अलग 1995 में संस्थान ने जगाई थी वो आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैले, ऐसी हमारी अभिलाषा भी है और आपके प्रति शुभकामना भी है। आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है पूरे विश्व में फैलेगी,
तो उसको पीड़ित मानवता को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में बबली सिंह भी उपस्थित हो गई हैं, वो वाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग शेयर कर रहे हैं आगे। हम लोग पढ़ना है स्पाइन में। तो हम लोग पिछली बार स्पाइन के संबंध में अनेक चीज पढ़ चुके हैं। स्पाइनल नर्व की बात हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट कितने हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग माना था कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अंतर है। तो उस पर हम लोग आ गए थे। अब हम लोग स्पाइनल नर्व की बात कर रहे थे कि स्पाइनल नर्व क्या है। तो स्पाइनल नर्व जो है, इसके लिए चित्र दिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा, कि वो आप लोग चित्र से देख लीजिए। हम लोगों ने ये देखा था, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी है और ये मेडुला से निकलती है, और साथ हमारी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताया था हम लोगों ने कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है बीच में रुक जाती है और ये एनुअल L2 के पास में, यहाँ देखिए ये जो दिख रहा होगा कर्सर, मान लीजिए ये कर्सर दिखता नहीं अंदर, एक सेकंड मैं दिखाऊं उसको। मनमीत ये जो हम यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर आके ये बन गया इस तरह, तो ये दिखता नहीं वहां पर कोई, इसका ये सिस्टम है क्या, कोई बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ये जो हो रही है यहाँ आने का दूसरा हो गया, कल देखो यहाँ ठीक हो गया और यहाँ दूसरा हो गया ये। कलर चल गया था ना तो उसे दिखता नहीं था, नहीं दिखा ना। कलरफुल हो जाए, मोटा हो जाए तो भी दिख जाएगा, दो ही ऑप्शन है। ये कुछ दिख रहा है क्या तिवारी जी, ये कुछ नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल वाइट है ना, चूंकि दिख नहीं रहा। कलर उसमें हो जाए तो कलर, एक काम करिए ना, आपको नहीं ये वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, जो वहां दिखा लगो यहाँ से कलर का हो गया तो फायदा हो गया, फिर कलर नहीं हुआ ना, कलर हो जाता बिल्कुल हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं भाई छोड़िए, यहाँ पर देखिए नीचे जो आप लोग यहाँ लिखा हुआ है L1 L2 यहाँ पर आकर के ये वर्चुअली खत्म हो जाती है, तो इसको कोनस मेडुलरी मतलब यहाँ कोन की तरह बनाती है,
तो कोन की तरह जो बनाती है तो वहीं पर कोनस मेडुलरी बोलते हैं, कोन की स्ट्रक्चर में है। तो ये L1 L2 भी खत्म हो जाती है और यही ये स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई। अब कॉर्ड जब खत्म हो गई तो बाय द वे स्पाइनल कॉर्ड बहुत तेजी से बढ़ी थी, तो उसके जो सेगमेंट है, सेगमेंट माने जो जहां से इनको नर्व को निकलना है वो दूर होते चले गए और नीचे चले गए। इसीलिए यहाँ के बाद जो है कभी पंचर करना होगा तो L2 के बाद L3 L4 में या L4 L5 में पंचर करेंगे, वहां से CSF निकालेंगे अगर कभी टेस्ट करना होगा। दूसरा क्या होगा, ये जो इसके बगल में हम लोगों ने बताया था कि तीन उसके मेनिंजेस होती है, तो तीन मेनिंजेस सबसे बाहर वाले की ड्यूरा मैटर और उसके बाद आर्कनॉइड मैटर और उसके अंदर पाया मैटर, तो DAP के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, डैप DAP, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो पाया मैटर बिल्कुल अटैच होती है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन देती है, उससे बिल्कुल अटैच होती है। तो वो क्या करती है, वो यहां तक रहती है, लेकिन उसके बाद आगे चल के जहां जब ये खत्म होती है तो ये नीचे अंतर तक टेल बोन तक उसके साथ लगी रहती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देना है इस स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो टेल बोन तक वो रहती है। अब यहां के बाद जो और नर्व है क्या करती है, वो अब निकलना उनको उन्हीं रूट से जो स्पाइनल कॉर्ड लंबा हो गया। जैसे अगर कोई हमारा VIP जा रहा हो तो उसके आगे एक सैनिक जो है पूरी एक घेरा बना लेते हैं, तो आगे चलते रहते हैं वो और 100 मीटर की दूरी पर, और ताकि जो है प्रोटेक्शन रहे। तो वैसे ही स्पाइनल जो कॉलम है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए जो स्पाइनल कॉलम है या उस चीज को वर्टिब्रल कॉलम कहलाते हैं, वो आगे दूर तक चलता रहता है। और इसीलिए वो ये जो सेगमेंट है बाहर वाले T1 T2 आप देख रहे हैं, तो वहां ये खत्म ही पर हो गई, तो इससे सारे सेगमेंट तो इसी में आए हैं T1 से लेकर के सारे। लेकिन ये जो है जिस सारे उनके जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट है वो दूर होते चले गए L2 L3 नीचे। तो इसलिए यहां से जो स्पाइनल नर्व निकलेगी वो नीचे की तरफ घोड़े की पूंछ की तरफ चली जाएगी, तो उनको मतलब हॉर्स टेल की तरह उसका आकृति होती है, तो वो हॉर्स टेल का भी आकृति है और उनको कहा जाता है कॉडा इक्विना। और कॉडल हमेशा समझ लीजिए कि जो नीचे का पोर्शन ऊपर का होता है क्रैनियल और नीचे कॉडल, कॉडल माने हमेशा टेल बोन की तरफ, तो CAUDAL जब कहीं कहेंगे तो उसको माना जाएगा कि वो पूंछ की तरफ टेल की तरफ है, यानी कोसिक्स की तरफ है, कोसिजियल या टेल बोन जिसको बोलते हैं, कोसिक्स या कोसिजियल या टेल बोन उससे एक ही नाम है, और उसको कॉडल भी बोल देते हैं क्योंकि कॉडल माने क्रेनियल ऊपर और कॉडल नीचे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, तो बस इसमें इतना बताना था, फिर स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए ये स्पाइनल नर्व फिर उसी का है, देखिए ये स्पाइनल नर्व जो है यहां पर जब खत्म हो गई, ये कोनस मेडुलरी ये खत्म हुई, ये वाली लिखा हुआ कोनस मेडुलरी, तो यहां पर कोनस मेडुलरी जब खत्म हो गई तो ये उसकी नर्व जो है ये आगे निकल गई, ये आगे निकल गई, क्योंकि इनको निकलना है कहां, हड्डी जो बोन जो है बोनी स्ट्रक्चर जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन का बना हुआ है, तो बोन का बना हुआ तो चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको जब तक उससे क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो कैसे शरीर पहुंचेगा, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं बोन से निकलना पड़ेगा किसी छेद से, और छेद से निकलेंगे तब जाके शरीर में जाएंगे। तो वो जो बोन का स्ट्रक्चर है वो ये बोनी स्ट्रक्चर ये नीचे आया है, तो जहां उसको अलॉटेड है, मतलब अगर यहाँ पर L1 L2 है मान लीजिए, अब यहाँ L3 होगा तो L3 नीचे चला जाएगा, तो जहां जहां जाएगा L3 वहां तक जा करके तब उसमें छेद से निकल जाएगी आगे। तो इसलिए ये सेगमेंट आपको हमेशा दिखाई पड़ता है कि ऊपर से नर्व जो है निकल रही है वो ऊपर से घोड़े की पूंछ की तरह, जैसे घोड़े की पूंछ होती है तो वैसे घोड़े की पूंछ की तरह नीचे निकल रही है, इसलिए इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है और घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई पड़ता है ये सारी। क्यों, क्योंकि इस नर्व को, ये नर्व को निकलना नीचे से है, बगल साइड से निकलना आई यहां से, और लेकिन उसका जगह यहाँ अलॉटेड है तो उस जगह से निकलेगी और तब बाहर चली जाएगी, तो ये इसलिए ये अंतर पड़ता है। अब स्पाइनल नर्व जो है, अब
हम लोग तो बता चुके थे, इसको बता चुके थे। ये देखिए ये स्पाइनल नर्व का ये वाला है, ये पोनस मेडुलरी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये पोनस मेडुलरी ये बना हुआ है कोन की तरह बना हुआ है, और लेकिन ये इसके चारों तरफ जो और वो है स्ट्रक्चर मेनिंजेस वगैरह वो, और उसके बाद जो है सारे बाहर के हो तो ये सब नर्व निकली हुई है, और नर्व निकल करके आगे निकलेंगी और तब बोन से निकल कर तो बाहर चले जाएंगी। ये स्ट्रक्चर इसी तरह इसीलिए दिखाया जाता है हमेशा। ये देखिए वही सब देखिए, ये ऐसे निकला हुआ है, यहाँ T2 है। अब यहाँ T2 देखिए, T2 दिख रहा है कहीं आपको, T2 का दिख रहा है, लेकिन उससे उसकी जो नर्व निकल के आई है वो यहाँ पर आई, यहाँ से दोनों से निकलेगी बीच से। इसी तरह यहाँ बाद में करते करते ये और लंबी हो गई, और T10 वाली ये समझने के लिए है, ताकि ये आपके कोर्स में भी है। T10 देखिए, T10 वाले आई और यहाँ से निकली, ये वाला T11 ये यहाँ से निकली, तो जो नीचे निकलती चली जा रही वो इसीलिए घोड़े की पूंछ की तरह आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ये सेगमेंट लंबर का ये देखिए ऐसे निकला हुआ है, और ये अंत में कोशिक से नीचे दिखाया गया है। तो अब नर्व के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ये तो हम लोग ने वो हम बोनी स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए थे, नर्व के बारे में हमको समझ रहा है कि नर्व क्या है। देखिए नर्व जो है स्पाइनल नर्व जो है ये पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। हम लोग जानते थे ना दो सिस्टम कहे थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भाग में ये दो नर्व, ये नर्व आती है, एक स्पाइनल आती है और क्रैनियल आती है। तो यही नर्व जो है हमको संवेदना ग्रहण करती है, और यही संवेदना को जो कोई आदेश को भिजवाती भी है। तो देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, क्यों वहां हम लोग क्या बात कर रहे थे 33, अब देखेंगे वहां 33 में भी अंतर है, लेकिन यहाँ देखिए 33 में यहाँ C1 से लेकर C8 तक 8 सेगमेंट है, 8 सेगमेंट बनते हैं, तो जिससे जो स्पाइनल नर्व दोनों तरफ जाती, इधर भी बाई तरफ दाई तरफ, तो ये पेयर में है, तो कितने पेयर में है, बाई तरफ भी दाई तरफ भी दोनों तरफ पेयर में है। तो C1 से लेकर के वहां C7 7 बोन थी, लेकिन यहाँ 8 नर्व है, क्योंकि 8 सेगमेंट बने हैं, इसलिए C8 तक यहाँ 8 नर्व है। तो ये समझ लीजिए कि ये अंतर आया है, वहां बोन जो है बोनी स्ट्रक्चर जो है बोन का स्पाइनल जो वर्टिकल कॉलम है वो केवल 7 है, तो वहां 7 बोन है, लेकिन यहाँ पर स्पाइनल नर्व 8 है, तो C1 से लेकर के C8 तक है। कारण क्या है, कारण ये है कि इसके ऊपर ये आपको जो हमारा सर है उस सर में जो ऑसिपिटल बोन है, तो ऑसिपिटल बोन सबसे पीछे होती है, उसी बोन से ये अटैच है। ये देखिए यहां पर ऊपर बिल्कुल सबसे ऊपर जहां C1 है यहीं पर ये बोन है, ये बोन है ब्रेन वाली, जो ब्रेन की बोन है ऑसिपिटल बोन, इसी बोन से ये अटैच है, इसलिए ये जो है यहां से अटैच है। तो ये C1 जो निकल गई है वो किसी वर्टिबल कॉलम के से बीच से नहीं निकली है, बल्कि वो ऊपर से ही निकली है, इसीलिए यहाँ पर 8 हो जाते हैं C8। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि C8 जो स्पाइनल नर्व है वो C8 होगी, बोन C7 है। ठीक, दीज नर्व्स लीव द वर्टिब्रल कॉलम बाय पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो जो ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा चित्र, दिख रहा है तो दिख रहा, कर्सर दिखा नहीं दिखा, कर्सर रिकॉग्नाइज करके लिखा है, लेकिन कर्सर दिख नहीं रहा, नहीं। ये हिला रहे हैं, नहीं अच्छा बिल्कुल दिख नहीं रहा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ वर्टिब्र, ये बॉडी है, एक बॉडी होती है और एक के ऊपर एक, यहाँ पर ये कुशनिंग वाला हमने बताया ना इंटर वर्टिब्रल फोरामिन, ये वाला जो है लोकेशन दिख रहा बीच में जो होल है, हाँ तो ये जो होल है ये इंटर वर्टिब्रल फोरा, जहां कहीं फोरामिन की बात आए समझ लीजिए कि आप उसको मानिए, क्या मानिए,
कि वो जो है होल है जिसमें से उसको निकलना है। और ये हमारी जो डिस्क कहलाती है वो है, ये हमारी डिस्क है, ये कार्टिलेज की बनी होती है फाइबर्स की, तो वो कार्टिलेज फाइबर्स की बनी होती है, तो उन्हीं का ये डिस्क है, ये कुशनिंग इफेक्ट के लिए, दो के बीच में दो हड्डी है तो उनके बीच में बनी हुई है, तो ये उसका कुशनिंग इफेक्ट है। ठीक, अब ये एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ जाती है कि ये जो है एक यहां से पूरा एक छेद हो जाता है ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें छेद होता है और उसी छेद में हमारी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है, चारों तरफ से घिरी रहती है, उसको सुरक्षा देने के ये सब प्रबंध किए गए हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए, काम तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, काम क्या है इनका, जो संवेदनाएं बाहर से आएंगी वो हमारे ब्रेन तक उसको लेके, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालिसिस करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको क्या है, या तो संदेश लाता है और या संदेश भेजता है, या तो ब्रेन का संदेश लेके जाता है, वो संदेश वाहक के रूप में है, उसका काम एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस काम है या तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड करेगा और या एनालिसिस करेगा हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम के अंतर है, ये अंतर है कि जो काम सूचनाएं लेने का काम होगा या सूचनाएं भेजने का काम होगा डाकिया के रूप में है, वो हमारी नर्व्स कहलाती है, और जो चीजें हमारे एनालिसिस की है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है, उसमें ब्रेन है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी है, ये उसी का स्ट्रक्चर है। अब आगे कहीं नर्व रूट का बता दूं आपको, तो ये अब देखिए, आठ हम लोगों ने देखा था, तो अब हम वो बता दे पहले, तो आठ तो हमारी हो गई इस स्पाइनल सेंट्रल वो सर्वाइकल, सी आठ हो गई, थोरेसिक हम लोगों ने 12 पढ़े थे, तो थोरेसिक 12 है, कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रॉब्लम नहीं है, लंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैक्रल में कोई हमारी वो नहीं है, लेकिन कोसिक्स हमारी एक, कोशिक हमारी एक है। और अब चलिए हम लोग अपने उसमें आ जाएं, फिर हम लोग आते हैं इमेज की चरक तीन, ये हम लोग पढ़ा चुके बता चुके थे, ज्ञानेन्द्रिया का मुद्दा यहाँ पर है, ये हम लोग अभी नहीं बात, आप लोग पढ़ लीजिए, कोई बहुत अंतर नहीं है इसमें, मेन चीज है फंक्शन में है, ये तो कलर्स का दिया हुआ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कलर्स कैसे करना है, तो तंत्र वो आठ हम लोगों ने पढ़ा, 31 कैसे हुआ आठ, फिर थोरेसिक की 12, फिर हम लोगों ने सर्वाइकल पढ़ा कि सर्वाइकल 8 12 8 20 हो गई, 20 फिर उसके बाद 5 5, तो 20 12 8 20 और 5 25 हो गई, फिर 25 में 5 उसकी हो गई और कोसिक्स एक हो गई, कोसीजियल जो है वो एक फ्यूज है, फ्यूज तो वैसे आपको बोन्स के रूप में अगर आप देखेंगे तो फ्यूज सैक्रल भी है, लेकिन उसको अलग से इसमें 5 मानते हुए नर्व के रूप में, 5 नर्व, क्योंकि नर्व वहां से निकल रही, तो 5 नर्व्स का रूट हुआ, और बोन्स के रूप में फ्यूजिंग एक की होगी तो वो भी 26 बोन्स कहलाएगी, ये नोट कर लीजिए कि बोन्स के रूप में जब कभी आएगा तो वर्टिब्रल बोन्स 26 कहलाएंगे, जबकि वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग पाते हैं 33, हम लोग 33 वर्टिब्रल कॉलम में मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोसिक्स को उसको कोसिक्स को फ्यूज मान रहे हैं लेकिन उनको फ्यूज नहीं मान रहे हैं, तो कुल मिला के 4 और 12 7 और 7 सर्वाइकल, 12 हमारी थोरेसिक, फिर हमारी लंबर, फिर सैक्रल
और सैक्रम के बाद पांच, तो चार चार हुआ, तो कुल मिला के 33 वहां मान रहे थे, लेकिन वो सब फ्यूज हो जाती है। तो बोन्स के रूप में जब कभी कल्पना करेंगे हम लोग या बोन्स का जब देखेंगे तो वहां 26 ही लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए, क्योंकि वहां सैक्रम और कोसिक्स को एक एक फ्यूज बोन लिखा हुआ है। हम लोगों ने बताया था कि 20 साल की उम्र तक सैक्रल तक अलग रहती है लेकिन वो फ्यूजिंग हो जाती है, उसी तरह कोशिक्स भी फ्यूज हो जाती है, तो बाद में 20 साल के बाद वो एक ही दिखती है, तो इसलिए उसको फ्यूजिंग में कहा गया। तो बोन्स के रूप में जब कभी बात आएगी तो 26, और वर्टिब्रल कॉलम के रूप में जब बात आएगी तो 33, और जब स्पाइनल नर्व की बात आएगी तो हम लोग C1 से C8 हो जाएगा, तो 8 और 12 8 20, और 20 और 5 25 5 30, और अंत में कोशिक्स 1, तो यानी 31 पेयर हम लोगों का स्पाइनल नर्व कहलाएगा। ठीक, अब नर्व रूट कैसे वो होती वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि उसके बिना जाने हुए जब आप देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो चीजें याद रखिएगा, पुराना जो पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रे मैटर है ब्रेन में वो बाहर होता है ऊपर की ओर, और व्हाइट मैटर माने, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रे मैटर माने, ग्रे मैटर माने बॉडी और डेंड्राइट, नोट कर लीजिए, हम लोगों ने माना था कि ग्रे मैटर माने बॉडी एंड डेंड्राइट, ये देखिए ये एक अच्छा और आकृति दिखा दे अच्छी वाली, इसी में थोड़ा सा देखने, ये देखिए ये जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट ऊपर ये और बॉडी बीच में बीच सोमा जहां लिखा हुआ है, सोमा, ये सोमा लिखा दिख रहा है आपको, सोमा सेल बॉडी, जो सोमा सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट संवेदना ग्रहण करते हैं, संवेदना ग्रहण करके बॉडी को देते हैं, सेल बॉडी को, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, यानी यहां से डेंड्राइट सूचना लेंगे और इसको देंगे, तो इनका रंग जो है ग्रे कलर का होता है, सोमा का भी, सेल बॉडी का भी और डेंड्राइट का, तो जहां जहां ये मिलेंगे वहां वहां आपको ग्रे कलर मिलेगा, और एग्जॉन देखिए उसके बाद ये यहां से सूचना आई, अब इन्होंने सूचना दिया, तो सूचना देने काम करते कौन करता है, एग्जॉन, तो ये एग्जॉन लेके गया सूचना, देखिए एग्जॉन लंबे होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं और इनके तमाम ब्रांचेस पूरा बना हुआ है, तो ये जो एग्जॉन है इसके ऊपर व्हाइट चढ़ी होती है परत, तो व्हाइट परत की वजह से माइलिन शीथ उसको बोलते हैं, व्हाइट माइलिन शीथ चढ़ी होती है जिसकी वजह से इसका कलर व्हाइट होता है, तो इसलिए इनको व्हाइट मैटर बोलते हैं, तो ये व्हाइट मैटर है, और जो हमारा ग्रे मैटर है वो ग्रे मैटर और ब्रेन में क्या है, ग्रे मैटर बाहर बाहर ऊपर की तरफ स्थित है, ग्रे मैटर बीच के भाग को हम लोग कभी कभी मेडुला बोल देते हैं या न्यूक्लियस बोल देते हैं, बाहर वाले को हम कॉर्टिकल, कॉर्टिक्स बोलते हैं, तो जो कॉर्टिकल एरिया है उसमें ग्रे मैटर भरा हुआ है, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है, उनके उनके एग्जॉन नीचे की ओर है तो उसमें व्हाइट मैटर है। अब जब लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में जो स्थिति है वो आपके मेडुला में, हमारे मेडुला से जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा है, यहां क्या है, यहां जो ऊपर से ट्रैक्ट उतरे, जो हमारे एग्जॉन के बंडल उतरे उनको ट्रैक्ट हम लोग कहते हैं, तो ये ट्रैक्ट जो उतरे हैं ये बाहर की तरफ हो जाते हैं और अंदर की तरफ हो जाता है क्या, ग्रे डेंड्राइट, ये हाँ हाँ सेल बॉडी और डेंड्राइट ये अंदर हो जाते हैं, तो ग्रे मैटर यहाँ अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है, क्लियर, ये अंतर समझ लीजिएगा, वहां वहां जो है बाहर कौन है ग्रे मैटर और अंदर कौन है व्हाइट मैटर, यहाँ क्या है, अंदर जो है ग्रे मैटर है और बाहर हमारे व्हाइट मैटर हो गया, तो वही स्ट्रक्चर आपको
एक इसमें आकृति है, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उससे थोड़ा समझिए, फिर आपको आगे चलते हैं उसमें। अब देखिए इस आकृति में देखिए, ये इस आकृति में अब यहाँ का एक यू जो कटा हुआ उसको काट दिया गया ऊपर से, और कटा हुआ ये मतलब क्रॉस सेक्शन वाला भाग है, ये काटा हुआ है आपकी उसको वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रल कॉलम काट दिया गया, जो अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है इसमें देखिए, जो बीच में ये दिखाई दे रहा है, जो बीच में गहरा गहरा दिखाई दे रहा ना, सींग की तरह दिख रहा है कुछ तुम्हारे जी। हाँ सर, इंटीरियर हॉर्न जिस पे लिखा अंदर। हाँ बस 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 बस, तो जो ये हॉर्न माने सींग की तरह दिख रहा है ना, जैसे गाय बैल के सींग होते हैं वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, इसीलिए हॉर्न कहला रहा है ये, हॉर्न माने सींग, तो सींग की तरह है। तो इनको ये क्या है, इंटीरियर माने सामने की तरफ और पोस्टीरियर माने पीछे की तरफ, और एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं और उसको डॉर्सल बोलते हैं, इसीलिए थोरेसिक वाले जो टी वाले हैं उनको डी भी बोलते हैं, डॉर्सल, इसीलिए टी और डी एक ही लिखा रहता है, कहीं 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 डी लिखा था टी वन, कहीं डी वन लिखा रहता है। तो डॉर्सल जो है, डॉर्सल भाग जो है वो कहलाता है पोस्टीरियर, और वेंट्रल भाग को लाता है वो एंटीरियर, माने सामने जो दिखाया जा रहा है वो एंटीरियर है, और उसको वेंट्रल भी बोलेंगे, और पीछे का पोस्टीरियर, और उसको बोलेंगे हम लोग डॉर्सल। तो ये डॉर्सल, ये देखिए, ये एंटीरियर माने सामने का भाग है, ये वाला सामने है और ये वाला पीछे का है। तो ये जो बने हुए हैं, ये वाला हमारा ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर अंदर की ओर है, और ये वाला व्हाइट मैटर है बाहर की ओर, व्हाइट मैटर है, क्लियर? क्योंकि यहां से जाएंगे, जब व्हाइट मैटर यहाँ जाएंगे ना, नर्व जाएंगे तब व्हाइट मैटर की है, तो ये बाहर की ओर है, देखिए बाहर की ओर सब है, ये अंदर की ओर कोई नहीं है, अंदर तो यहाँ अंदर की ओर ये आपका ये है। अब इससे यहां से सीखना है कि कैसे कहते हैं, तो होता क्या है, हर एक उसका एक नर्व रूट होता है, जो नर्व ऊपर से आई वो क्या करती, इसी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इससे निकलती है, तो निकलने का जो है, तो जो पीछे से निकलेगी वो पोस्टेरियर साइड हो जाएगी, उसको कोई भी नाम दे दीजिए, जो आगे से निकलेगी वो एंटीरियर हो जाएगी, ठीक है? तो उसको रूट बोल देते हैं, मतलब रूट माने चाहे रूट माने मार्ग मांग लीजिए, तो एक मार्ग क्या बनता है वो एंटीरियर, चाहे रूट मार्ग चाहे उसका जड़ मान लीजिए, जो भी मानना चाहे। तो वेंट्रल माने ये सामने से निकली हुई है ये नर्व, और ये पीछे से निकली हुई नर्व, तो ये जो एक वेंट्रल, एक रास्ता आगे का हो गया, एक पीछे का हो गया। अब क्या होगा, ये आगे जा करके, ये जब आगे गई तो आगे जा करके इन्होंने ये मिल गई, ये मिल जाती है, और मिलने के बाद ये बाएं दाएं फिर हो जाती है आगे पीछे। तो जो आगे निकल जाती है उसको वेंट्रल रामी बोल देते हैं, और जो पीछे की तरफ हो जाती है, जो इधर चली गई आगे, वहां पहले मिल गई, फिर मिलने के बाद यूं हो जाती है, जो बनाया पहले मिली, मिलने के बाद पहले समझ देखिए, पहले मिली और मिलने के बाद फिर यूं बन गई। तो जो बन गई आगे जाके जो बनी, तो जो दो भाग मिल गए, दोनों मिली, यहां देखिए दोनों ये मिल गई ना, यहीं से आकर के इनके दो फिर दो भाग हो जाएंगे, एक इधर चली जाएगी एक इधर चली जाएगी, तो एक वेंट्रल चली जाएगी, एक मतलब सामने चली जाएगी, एक पीछे की तरफ चली जाएगी। तो जो सामने चली जाएगी उसके भाग, उसका भाग कहलाता है वो, जो जो पीछे की तरफ जाएगी वो उसका पोस्टीरियर वाला हो जाएगा, और जो होगा या डॉर्सल, और ये उसका एंटीरियर या वेंट्रल। तो यहां भी समझ लीजिए कि एक
दोनों मिलकर फिर एक क्या बनाते हैं, रैमस, इसको रैमस, RAMUS, रैमस या रामी कह दीजिए, वेंट्रल रामी। और अब इससे हम बता रहे हैं क्योंकि आगे प्लेक्सस बताना हमको, ठीक। अब इसका फंक्शन थोड़ा बता दूं आपको कैसे होता है। इधर समझ लीजिए ये पीछे वाला भाग है, ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वो पीछे वाला भाग है, ये सामने जो दिख रहा है वो सामने वाला भाग है। यहां पर मान लीजिए इधर कहीं हाथ होगा, हाथ पैर कुछ होगा, बाएं दाएं हाथ होगा कहीं, तो बाएं दाएं ये इधर हाथ हाथ होगा, ये लेफ्ट साइड में जहां यहां दिख रहा है, यहां कर्सर दिख रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा है, दिक्कत। अच्छा कर्सर नहीं दिख रहा, कह रहे हैं जी, तो हम समझ, जहां जहां पर जहां नर बनी है इसी के आगे यहां पर कहीं हाथ होगा। तो हाथ, हमने एक और चीज बताई थी आपको कि हाथ से कोई संवेदना जो आपको, कोई इंफॉर्मेशन जो जाती है वो नर्वस, वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड में पीछे से जाती है। कहीं नोट किया था आपने, नोट कर लीजिए। हाँ सर, आपने बता दिया, संवेदना पीछे से जाती है। हाँ, संवेदना पीछे जाती है। तो जो संवेदना आई वो ये पोस्टीरियर, माने ये पीछे का भाग है, पीछे ऊपर वाला भाग, पीछे ऊपर दिख रहा है हमको, जो ऊपर दिख रहा है वो हमको, वो पीछे का भाग है, और जो पीछे नीचे दिख रहा है वो आगे का भाग है, ठीक। तो इधर जो सूचना यहां से कोई आई वो सूचना यहां से जाएगी, ठीक, और डॉर्सल रूट से। हाँ डॉर्सल, भाई डॉर्सल माने पीछे। यस सर, पीछे रूट से जाएगी ना, तो सूचना कोई आएगी तो यहां से जाएगी, ठीक। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, अब सूचना कैसे, कौन लेगा सूचना, बताइए सूचना लेता कौन है, ब्रेन ना, नर्व, एग्जॉन नहीं लेगा सूचना, एग्जॉन नहीं लेगा, डेंड्राइट लेता है। यस, तो यानी यहां पर कोई डेंड्राइट में तो होना चाहिए। यस सर, डेंड्राइट होना चाहिए, सूचना वो लेता है। कोई भी यहाँ कोई डेंड्राइट होना चाहिए कि नहीं होना, डेंड्राइट होनी चाहिए और रूट होना, वो सेल बॉडी होनी चाहिए, तभी तो भाई आपको सूचना मिली, किसी ने दिया, हमारे एग्जॉन को दिया, एग्जॉन कोई सूचना कहीं ला के देगा ना भाई। अगर एग्जॉन का भिन्न कहा, डेंड्राइट सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी ने एग्जॉन को दिया, एग्जॉन फिर तो किसी सेल बॉडी को देगा, तभी तो पहुंच डेंड्राइट को देगा, फिर डेंड्राइट सेल बॉडी को देगा, यही तो सब तरीका है। डेंड्राइट सेल बॉडी एग्जॉन फिर डेंड्राइट फिर सेल बॉडी फिर एग्जॉन, यही तो तरीका होगा। तो कहीं से संवेदना कोई आएगी तो इस रूट में कोई एक सेल बॉडी पड़ी होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए, तभी आगे ले जाएगा, तभी तो आगे जाएगा जी। अभी तो मान यहां उसे कोई सूचना आई कि एक आदमी ये खड़े हुए हैं और ये कुछ कोई भी मान लीजिए बता दिया, किसी ने इंफॉर्मेशन दिया, मान लीजिए वो एग्जॉन ही को दिया, हम एग्जाम मान रहे, उसी एग्जॉन को दिया, उसने तो आएगा तो कहीं किसी सेल बॉडी में आएगा, तभी तो आगे जाएगा एग्जॉन से। तो ये जो एरिया है वो ये डेंड्राइट का एरिया होगा, और ये होगा, ये डेंड्राइट का होगा, ये सेल बॉडी होगी, ये पीछे वाला जो इसके पोस्टीरियर हॉर्न के पास में है वो हमारा एग्जॉन होगा। ये समझ में आएगी नहीं, फिर से एक बार और बताइए, एक्चुअली क्रसर नहीं आ रहा नहीं, कर्सर से समझ हम बता रहे हैं आपको, जहां ऐसा व्यू बना हुआ है, तो जहां कहीं सूचना मिली, सूचना मिलने काम किसका है सर, क्रसर तो आपका रुका हुआ है, एक जगह पे अटका हुआ है, डेंड्राइट सूचना लेगा ना। हाँ डेंड्राइट सूचना, देखो डेंड्राइट सूचना लेगा, डेंड्राइट सूचना लेगा और उसको सेल बॉडी को देगा, भाई डेंड्राइट ही तो लेते हैं, डेंड्राइट सूचना प्राप्त करते हैं और उसको सेल बॉडी को देते हैं, सेल बॉडी उसको आगे ले जाती है, एग्जॉन को देती है, कि एग्जॉन सूचना ग्राहक है, सूचना भेजने वाले हैं, कहीं और इंफॉर्मेशन देनी जहां। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि बस केवल हम कह रहे हैं संवेदना यहां से आई तो डेंड्राइट ने ग्रहण किया, डेंड्राइट ने ग्रहण किया तो कहीं उस सेल बॉडी होगी उसके आसपास की, नहीं होगी तभी ट्रांसफर करेगा,
ये सबको समझ में आएगा नहीं जितने लोग सुन रहे हैं? बोलिए यही पे तो टिका हुआ आगे। बबली सिंह समझ में आया जी, क्या जी, समझ में आ गया कि नहीं? ये जी जी हम लोगों ने कहा जो 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 कोई भी नर देखिए जब तक उसको नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं वही तो समझना है मेन, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो कैसे आप लोग नर्व का नर्वस तो वहां बहुत सरल। देखो ये डेंड्राइट है, देखिए डेंड्राइट के करीब में कौन बैठा हुआ है? सेल बॉडी दिख रही है? डेंड्राइट के बगल में कौन बैठा हुआ? बिल्कुल बगल में सोमा, सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या है? न्यूक्लियस सर। न्यूक्लियस तो यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सारा काम करेगा, फिर न्यूक्लियस इसमें कोई कभी भेजना होगा कि यार यहाँ भेजो वहां भेजो, तो भेजने काम फिर वो है, तो फिर क्या करेगा वो इसे एग्जॉन के माध्यम से उसको सूचना भेजेगा कि जहां भी भेजना हो। ठीक, तो मेरा कहना डेंड्राइट उसी के छोटे छोटे जैसे एक कोई आकार हो उसी के चारों तरफ नुकीले नुकीले चार तीन रखे हुए, वही तो है डेंड्राइट। तो तब जो मेरा कहना ये कि जो सूचना पेरीफेरी से आ रही होगी तो वहां कोई डेंड्राइट कहीं एक्सेप्ट करेगा? कोई डेंड्राइट लेगा कि नहीं लेगा? तभी डेंड्राइट लेगा। तो अगर डेंड्राइट ले रहा है कोई सूचना कहीं से भी तो वो सेल बॉडी को देगा, सेल बॉडी उसी के आसपास कहीं पड़ी होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि हमारी सूचना कहां से जाती है? डॉर्सल रूट से, माने पीठ पीठ की तरफ से जाती है, बैक डोर एंट्री है, यानी स्पाइन का जो पीछे का भाग है उससे सूचना जाती है। तो स्पाइन के स्पाइनल कॉर्ड के इस भाग में जहां सूचना जा रही होगी वहां पर कोई सेल बॉडी पड़ी होगी। बिना सेल बॉडी के पड़े हुए सूचना ट्रेवल नहीं कर सकती। क्लियर? क्लियर यस सर। ठीक, ये इतना समझना कि एक एक समझते जाइए। ये समझाना इसलिए कि ये आपको पढ़ाई भी वहां पड़ेगी और आपका कोर्स भी है, और हमको केवल प्रोटोकॉल बताने में बहुत 2 मिनट लगेगा, तो उसमें प्रोटोकॉल तो सभी मोर और लेस कॉमन है। ये सूचना यहां से गई डॉर्सल रूट, देखिए डॉर्सल रूट लिखा हुआ है, डॉर्सल रूट आप लोग पढ़ने में आ रहा होगा, DORSAL रूट, बिल्कुल आ रहा है। रूट में, डॉर्सल रूट में जो सूचना आई वो सूचना यहां पर कोई जो सूचना ले जा रही होगी सेंसरी नर्व ले जा रही होगी, तो सेंसरी नर्व जो ले जा रही होगी उसमें कोई ना कोई सेल बॉडी पड़ी होगी। बिना सेल बॉडी के पड़े हुए वो सूचना नहीं जा सकती, नर्व नहीं ले पाएंगे। तो ये जो, और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, अब हम ध्यान, अब पुराना सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई बीच में सेल बॉडी पड़ी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। याद करिए पहला लेक्चर, हम लोगों ने कहा था कि जो भी कभी सेंट्रल, जो हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, केवल ब्रेन, ऊपर ब्रेन में कोई भी बाहर, तो बाहर हमारा है कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, अंदर क्या है? व्हाइट, व्हाइट मैटर। लेकिन कभी अगर बिल्कुल बीच में कोई ऐसे सेल बॉडी पड़ी होंगी तो उनका रंग क्या होगा? ग्रे। तो वो ग्रे मैटर कहलाएंगे, वो ग्रे मैटर विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियस यहां कहला रहे हैं, यह कहीं अगर पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाए जाएंगे तो उनको गैंग्लियन बोलेंगे। क्लियर? क्लियर। बबली सिंह
पूर्वा मैम, यस सर, रेखा मैम, यस सर। तो अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ कोई गैंगलियन होगा, क्लियर हुआ कि नहीं? जो यहाँ भी व्हाइट मैटर, यहाँ तो यहाँ ग्रे मैटर पड़ा है ना, ग्रे मैटर ही तो हुआ जो सेंट्रल पार्ट, जो हमारी बॉडी है, सेल बॉडी और डेंड्राइट सेल बॉडी, कहीं क्या है ये सब, अल्टीमेटली क्या चीज है? कहीं ना कहीं ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर पीएनएस में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो इट इज नोन एज गैंगलियन। तो गैंगलियन आपको शब्द आएगा कि आपके डॉर्सल रूट में गैंगलियन है, यानी समझ जाएगी सूचना वही दे रहा है, क्योंकि गैंगलियन। और वेंट्रल रूट में नहीं होगा गैंगलियन, क्यों प्यारे जी बताइए? वहां उसको न्यूक्लियस बोलेंगे ना सर? नहीं नहीं नहीं, अरे इसी पीएनएस में दो रूट है ना, एक रूट पीछे वाला, एक सामने वाला, नीचे वाला, ऊपर नीचे समझ लीजिए। तो आगे ऊपर माने पीछे और नीचे वाला आगे, तो इस वाले रूट में इसलिए नहीं होगा कि यहाँ तो केवल एग्जॉन है, यहाँ अंदर वो है सर, न्यूक्लियस नहीं है, सेल बॉडी नहीं है सर ना? यस, यहाँ सेल बॉडी तो है नहीं, सेल बॉडी तो अंदर है जहां भी है, क्योंकि इसको तो केवल एग्जॉन का काम है सूचना, ये तो सूचना ले जा, वो सूचना तो ला रहा है, ये सूचना ले जा रहा है, तो ले जाने वाले के पास तो केवल एग्जॉन चाहिए, उसके उसको सेल बॉडी से क्या लेना देना? उसकी सेल बॉडी तो अंदर पड़ी होगी, या तो स्पाइनल कॉर्ड में पड़ी होगी, या ब्रेन में पड़ी होगी। ये सर इसमें एकदम ही न्यूक्लियस, गैंगलियन तो सेल बॉडी ही होते हैं ना सर? हाँ, तो इसमें गैंगलियन कहाँ होगा? गैंगलियन गैंगलियन वहां होगा जहां कोई संवेदना ग्रहण करके सेल बॉडी उसको भेज रही होगी एग्जॉन से। और जब वापस आ रही है उसमें नहीं होता है कुछ भी सेल बॉडी? वो तो ले जाने वाला काम हमने बताया ना, ले जाने वाला काम किसका? एग्जॉन का है। नहीं, जो ब्रेन से सिग्नल्स वापस जाते हैं, इसको दो सिस्टम होते हैं ना, एक ले जाने वाले को, एक लाने वाले को, वो नाम याद नहीं आ रहा। इतना तक केवल बताइए ना, आगे नहीं, अभी आगे तो बहुत बड़ा काम है। अभी तो इस वाले में नर्व, ये नर्व रूट है केवल, तो नर्व रूट, इस नर्व रूट में सूचना तो अंदर चली गई, आज वो हमारा वो है जहाँ बीच बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो कॉर्ड के अंदर होगी, हम बाहर की बात कर रहे हैं, पेरिफेरी की। कॉर्ड में तो स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला भाग, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, हैं? तो यहाँ तो होगा, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पीएनएस की बात कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। डॉर्सल राइट रूट से हमको सूचना मिल रही है, उस रूट में कोई सेल बॉडी जरूर पड़ी होगी, बिना उसके सूचना ग्रहण करके और एग्जॉन से ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वहां सेल बॉडी पड़ी है, तो उस उसमें डॉर्सल रूट में गैंगलियन पाया जाएगा, क्योंकि वहां सेल बॉडी होगी। वेंट्रल रूट में इसलिए नहीं होगी कि सारी सूचनाएं, वो सूचना लेने का देने का काम केवल कर रहा है, उसको कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने कहा पढ़ा था कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसको कोई काम नहीं करना होता, वो तो सीधे एक ही काम है कि गया और जाके दे दिया, उसको ये विचार नहीं करना होता कि दू कि न दू, तो वहां न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब बेसिकली ये समझ सकते हैं कि प्रोसेसिंग का वर्क ही नहीं है, इनको तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ जो आया उसको बिना दिमाग यूज किए आगे भेजना है, इसलिए न्यूक्लियस चाहिए नहीं, इसलिए है नहीं। ना 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 ना, हम एक ऐसा है ना, हमारा कहना है कि आपने ये स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत बार बार पढ़िए, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि उसको देखिए भैया, वो समझिए, तभी तो उसको समझ में आएगा। सर एक्चुअली क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन किया ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अरे पहले वाले तो याद किया है उसको? हाँ सर, वो तो याद है पूरी। ये देखिए, ये रूट क्या है, डेंड्राइट कौन है, डेंड्राइट कहाँ पर है? डेंड्राइट सूचना संवेदना लेते हैं, लेने के बाद किसको देते हैं? सेल बॉडी। ये सेल बॉडी, सेल बॉडी को, और सेल बॉडी फिर एनालिसिस जो भी करता है, जो भी करना चाहता है, उसको भेजना हो, कहीं कुछ करना हो, वो क्या करता है, एग्जॉन से उसको भेजता है, ट्रांसफर करता है। क्लियर? यस सर। ये फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस फंक्शन में जो सेल बॉडी है वो बाहर से कोई संवेदना लिया, वो डेंड्राइट पड़े होंगे,
वहां पर डेंड्राइट, वहां पर सेल बॉडी होगी। इसका नाम भले कुछ हम नाम नहीं बता रहे अभी, नाम क्या है इसको छोड़ दीजिए, बस केवल यह है कि हमारा गैंग्लियन है, इसको गैंग्लियन बोलते हैं। गैंग्लियन माने पीएनएस में कोई भी सेल बॉडी पड़ी होगी तो हमेशा पोस्टेरियर साइड में, वेंट्रल साइड में कोई गैंग्लियन नहीं होगा, केवल पोस्टेरियर साइड में गैंग्लियन होगा, ये आपको तय करना है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब हो गया। अब ये सूचना गई और ये जो सूचना फिर यहां से ट्रैवल की और चली गई कहां? डॉर्सल साइड में, पीछे की साइड में, मतलब स्पाइन के भी दो पार्ट हुए ना, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो जो पीछे की तरफ स्पाइन में, वहां सूचना चली गई और उस इसने क्या किया, इस यहां पर, अब यहां क्योंकि क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर यहां अंदर है, तो ग्रे मैटर जो हॉर्न जो दिखा है, जो हॉर्न की तरह लग रहे हैं, ये ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर में एनालिसिस होगी। ठीक, क्लियर? क्लियर टू ऑल जी। एनालिसिस कहां होती है? ग्रे मैटर में होती है। अब दो काम है, ये एक काम होगा नॉर्मल कि ये सूचना ब्रेन तक जाएगी, तो ये ब्रेन यहां से ऊपर ब्रेन होगा, इधर ऊपर की तरफ जैसे उठेंगे ब्रेन होगा, ऊपर आगे ब्रेन होगा, ब्रेन एनालिसिस करेगा, फिर किसी उससे भेजेगा, किसी एग्जॉन से भेजेगा। ठीक, वो एग्जॉन आ करके जो आदेश आएगा वो हमेशा वेंट्रल साइड से आएगा। किस साइड से? वेंट्रल से, सामने से। मतलब यहां से सूचना गोई गई और यहां फिर एक दरबान भी लगा देंगे हम, एक दरबान फिर चला जाएगा ऊपर, और ऊपर चला गया ब्रेन में, ब्रेन एनालिसिस किया और उसने जो सूचना भेजी वो आएगा सामने की तरफ, आएगा इधर पीछे जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, जो नीचे दिख रहा है इस वाले पॉइंट पर आएगा। ठीक, और यहां से फिर कोई एग्जॉन निकलेगा और फिर वो सूचना जाके दे देगा। तो सूचना देने वाला जो काम है केवल एग्जॉन है, वहां पर कोई बॉडी नहीं होगी, इसलिए वहां गैंग्लियन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, सूचना ले जाने का काम सेंसरी नर्व करती है और सूचना ऑर्डर देने का काम कौन करता है? ऑर्डर भेज, ऑर्डर को बताने का काम कौन करता है? वो भी ऑर्डर, वो दूसरी नर्व करती है, मोटर नर्व। लेकिन दोनों नर्व यहां पर होंगी, मिक्स होंगी, क्योंकि ये सूचना लाती भी होगी और उसने मान लीजिए कहा कि आप ये कर दीजिए तो वो भी तो सूचना देगा, क्योंकि आगे तो मिक्स हो गई ना, सब जाके मिक्स हो जाती है यूं करके यूं ना, तो सूचना भेजने काम तो करेंगी, लेकिन वो दोनों मिक्स यहां पर आकर के आगे चल के दोनों मिक्स हो जाएंगी, ये सब मिक्स कर देंगे, आप आगे मिक्स हो जाएंगे ना, आगे दोनों जाके मिक्स हो जाएंगी, यानी जो आगे जाती है वो नर्व होती है, मिक्स नर्व कहलाती है, और उसमें कौन होगा? सेंसरी भी होंगी और उसमें मोटर भी होंगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो ए नर्व इज ए मिक्सचर ऑफ सेंसरी नर्व एज ए नंबर ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड ए नंबर ऑफ मोटर नर्व, इसको नर्व कहलाएगा। तो जो वहां ट्रैक्ट कहला रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ए बंडल ऑफ एक्सॉन्स विच जस्ट कम डाउन फ्रॉम ब्रेन अप टू स्पाइनल कॉर्ड is known as tract, and in penis the same tract is known as nerve, and it is a mixture of sensory nerve as well as motor nerve. Clear? यहाँ तक clear होगा कि नहीं? Clear sir. Clear to all? Yes sir. इसको आराम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी। अब दूसरा पॉइंट आया, अब हम आपको इसी में बता दें आपको, एक होता एक हमने अभी कहा कि ब्रेन तक सूचना गई, ब्रेन से लौटी, अब एक होता आपने उन्होंने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन, पढ़ा? अभी तो नहीं पढ़ा, तो बाकी लोगों ने सुना तो है। हाँ बिल्कुल सुना है सर, हाथ रख दिया आपने गर्म पानी, उसमें तो तुरंत हटा लेते हैं ना जी,
तो उसको हम लोग पढ़ते थे पहले कि वो हाई स्कूल अर्थ में था कि वो सुषुम्ना नाड़ी, यही तो है स्पाइनल कॉर्ड, उससे नियंत्रित होता है, हम लोग कहते थे। ठीक, अब कैसे होता है देखिए, यही इसी को केवल देख लीजिए, इसी से मिल जाएगा। वैसे तो आगे कहीं चित्र बना होगा तो मैं दिखा देता हूं। एक जगह मिल नहीं रहा, तो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में ये देखिए चित्र हमारा, इसको वो तैयारी जी, इसको चेंज करने कोई तरीका है सर? राइट टर्न हो जाता है ये, इसी पे इधर देखिए ना, इधर बॉटम में चौथा टैब देखिए, तो बॉटम में चौथा टैब जो गोल घूमने वाला है, घूमता है क्या? रोटेट सर, चौथा राइट राइट कर राइट नीचे राइट बॉटम से चौथा वाला रोटेट देखिए, वो होता है ये सब। अब हम लोग को दिख नहीं रहा ना, राइट में सबसे नीचे से आके चौथा वाला जो सर्किल बना हुआ है तीर का निशान, ये अब हम लोग क्रसर तो दिख नहीं रहा है ना? नहीं, वो तो वॉल्यूम का है ये, वो इधर ये भी नहीं, नहीं है सर, ये जो प्लस माइनस बना हुआ है ना सबसे नीचे, अच्छा यहाँ नीचे माइनस प्लस बना है ना, ये वाला ये हाँ हो गया। हाँ, अच्छा हो तो यही तो यही एक बार और करिए तो हो जाएगा बस। यस ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए पूरा बना हुआ उसी तरह, ये ग्रे मैटर है, ठीक है, ये ग्रे मैटर अंदर है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाए रहे हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर माने वही हॉर्न बना हुआ, देखिए हॉर्न बना हुआ है, हॉर्न बना हुआ, ये डॉर्सल रूट पर लिखा हुआ, देखिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन लिखा है ना? जी सर। हाँ, ये गैंग्लियन माने वही गैंग्लियन माने पीछे वाले रूट में गैंग्लियन होगा, जो संवेदना भेज रही है, ये वाली जो ब्लू कलर में दिख रही है लाइन। हाँ संवेदना, हाँ ये संवेदना पीछे रूट से आती है ना, पिछले से। तो अब इसमें मान लीजिए कोई चीज, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन का दिखाया गया, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि हुआ आपके पैरों में, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज बैठ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो पैरों से संवेदना गई और यहां आपने गर्म पानी रख दिया या तवा रख दिया या कुछ रख दिया जिससे गर्म था तवा, तो ये एफरेंट पाथवे, एफरेंट माने जाने वाला, एफरेंट पाथवे यहां से गया डॉर्सल रूट गैंग्लियन से यहां पास हुआ और यहां चला गया इसमें। अब यहां क्या करेगा, यहां क्या करेगा, वो ब्रेन को भेजेगा तो समय लगेगा, ब्रेन को सूचना कोई भेजेगा तो उसको समय लगेगा। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉर्मली क्या होगा कि वो ग्रे मैटर में एनालिसिस होती है, तो यहां पे तो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर एनालिसिस करता है, तो वो क्या करेगा, यहां जो न्यूरॉन्स होंगे ग्रे मैटर वाले, उनका नाम कुछ और होगा, जो भी होगा, आप समझिए कि कोई एक आदमी बैठा हुआ है आपके ऑफिस में, तो वो सूचना ले रहा डाकिया, वो डाक वाला होगा, और एक होगा जो साहब को देने वाला होगा और किसी को निर्णय लेना होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहां से सूचना आई और उनने देखा कि तो बहुत, अगर तुरंत नहीं करेंगे तो वहां भेजेंगे तब तक तो हो गया, उसको तो आज ही रिलीव होना है, और अगर हमने भेजा वहां हेड ऑफिस तो चार दिन बाद रिलीव होगा ये, और इसका अगर आज रिलीव नहीं हुआ, आज ज्वाइन नहीं किया, तो इसकी नौकरी चली जाएगी। वैसे ही कठिनाई यहाँ आ गई कि उसको लगा कि अगर स्पाइनल कॉर्ड को लगा कि अगर हमने वहां भेजा तो वहां सूचना भेजने में देर हो सकती है, तो उनका हाथ जल जाएगा। तो इसने क्या किया, यहीं पर ही एनालिसिस कर दिया, आप लोग सब लोग सुनिए ध्यान से, यहीं पर एनालिसिस कर दिया, ये चूंकि ये कौन सा है, ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर माने एनालिसिस सेंटर, तो एनालिसिस सेंटर यहीं पर उसने कर दिया, और यहां से उसने एक संवेदना तुरंत भेज दिया कि पैर तुरंत हटा दो, तो पैर को उसने हटा दिया। यहां दूसरा चित्र बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं रिस्पांस का, लेकिन एक्शन ये होता है। तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, देखिए आर्क बना हुआ नहीं, यहां गया और यहीं से चला आया, आर्क माने
धनुष ऐसे कोई बना ना धनुषाकार, तू यहाँ से आया यूं आई सूचना और फिर वहीं पहुंच गई तुरंत। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, जो हम लोग करते नहीं है कि पैर तुरंत रखा तुरंत उठ जाता है, तो ये उसका है। सर ये सूचना स्पाइनल कॉर्ड तक भी नहीं जाएगी, ये सिर्फ पैर के अंदर ही प्रोसेस होके हो जाता है? नहीं नहीं, पैर के अंदर कहाँ हुआ, पैर से गई सूचना और यहाँ स्पाइन में गई, ये स्पाइनल कॉर्ड का तो हम देखे स्पाइनल कॉर्ड भी बना हुआ ना, देखिए ना ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, ये हॉर्न, ये तो हॉर्न वाला है। हाँ तो हॉर्न माने कौन वाला सिंग इधर है, यहाँ पे भी है पैर में भी। हाँ तो ये जो है ये हमारा जो है वेंडर साइड, वेंडर में सामने का ये वाला, नीचे वाला जो है वो सामने का है और पीछे वाला डॉर्सल है, पीछे वाला डॉर्सल, ऊपर वाला डॉर्सल वाला है, ठीक। तो यहां से सूचना आई और यूं करके गई नीली नीली उससे और फिर गई लाल पर जहां पर है, यहां पर देखे यहां पर सब एनालिसिस हुआ और यहां से ऑर्डर कोई चला और वो ऑर्डर लाल वाले से जा करके इसको उसने बता दिया कि आप ये एक्शन लीजिए। जी सर, हाँ बस बस 15 मिनट की और कर बस। कहाँ जाना है गोयल साहब? क्या ठीक ठीक हम आ जाते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हुआ कि नहीं सर? यहाँ तक तो आ गया ग्रे मैटर से, जाएगा कैसे वो रिफ्लेक्स ऐसे वाले डिसीजंस ग्रे मैटर से? नॉट एक्चुअली वीडियो देखा है वो कर्सर में। नहीं कर्सर से क्या जरूर लेना देना आपको पूरा, तो ये रेड वाले से जाएगी। हाँ भाई ऐसा है, वही कह रहा कि नीले देखा जो है अफरेंट पाथवे लिखा हुआ है ना। हाँ अफरेंट पाथवे दिखा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन लिखा हुआ है, फिर एफरेंट पाथवे से जाएगा। एफरेंट पाथवे तो आएगा यार, एफरेंट से आएगा, ई जो लिखा है एफरेंट उससे जाएगा, पाथवे से जाएगा, सूचना जाएगी वहां से कि आप पैर हटा लो। ये वो प्रतिक्रिया है जो स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे आप गाड़ी चला लेते हैं तो जब गाड़ी सीखते हैं तब तो ब्रेन से सीखते हैं, और जब गाड़ी चलाना जान जाते हैं तो आप देखते हुए गाड़ी चलाते रहते हैं, बतियाते हुए गाड़ी चलाते रहते हैं, ये वो सूचना है। क्लियर जी? अब देखिए इसी में, इसमें दिखाया हुआ है वो रिस्पांस दिखाया हुआ है कि जब कभी आपको कोई टेस्ट करने जाना होता तो वो एक हथौड़ा उनके पास होता है और हल्के से हल्के आप घुटने मारते हैं आपका रिफ्लेक्स देखने के लिए, तो क्या होता है यही मसल स्पिंडल रिसेप्टर है। देखिए लिखा हुआ ना मसल स्पिंडल रिसेप्टर, रिसेप्टर से उसने हथौड़ा मारा, जैसे हथौड़ा मारा तो रिसेप्टर को कुछ लगा कि कोई प्रेशर है, तो वो एफरेंट पाथवे से सूचना चली गई और वहां से क्या हुआ, वहां से तुरंत वो एक्शन हुआ, एक्शन बाद लाल से सूचना आई और लाल से देखिए दो भाग हो गए, देखिए लाल के देखिए दो भाग हुए ना कि नहीं यहाँ पर जी, एक ऑरेंज एक रेड दो दिख रहे हैं। हाँ दोनों वही मतलब वो ऑर्डर ही है, ऑर्डर के दो भाग हैं और क्योंकि मिक्स है ना पूरा सब कॉम्बाइंड रूप में होता है ना, तो वो गई और उसने क्या किया ये पैर को तुरंत एक मूवमेंट ऊपर दे दिया, रिएक्ट कर दिया, ऊपर आ गई, रिफ्लेक्स कर दिया, रिफ्लेक्स एक्शन उसने क्या किया, पैर आपका घुटना ऊपर उठेगा। देखिए लिखा दिखाई दे रहा है ना रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स देखिए दिखा रहे ना कि पैर उठ गया, ये तो दिख रहा है ऊपर तीन पैर दिख रहे इसीलिए रिस्पॉन्स, वो इंपल्स आया, वो इंपल्स मारा यहाँ पर, वो यहाँ से गया नीले से, नीले से गैंग्लियन होते हुए चला गया और फिर ग्रे मैटर में चला गया, ग्रे मैटर में वहां से सूचना आई और तुरंत रिस्पांस दो भाग में हुआ, तो आपके मोटर एंड प्लेट में इफेक्टर हुए और वहां से रिस्पांस ये हुआ कि आपका पैर ऊपर उठ जाता है। तो आपका पैर ऊपर जो उठता है तो संवेदना ये है कि आपका पैर रिएक्ट कर रहा है, तो वो उसकी जाँच करते हैं उसके लिए रिएक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शन की, ये टेस्ट है उसे। दोनों सर इसे दोनों एक्सप्लेन हो गए ना आपको, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्स आर्क जो एक्शन है वो दिख गया आपको, तो रिफ्लेक्स आर्क का ये डेफिनेशन है, ठीक। अब गैंग्लियन हो गया, अब केवल थोड़ा सा बता दें बस और कुछ नहीं, थोड़ा बता दें बस खत्म, इस पर नहीं बताएंगे।
वो तिवारी जी फिर इसको ऊपर नीचे करें राइट वहीं से घुमा दे। हाँ जी सर घुमा दे। Each spinal nerve is formed of the union of a motor anterior ventral efferent nerve and a sensory posterior dorsal efferent nerve root. Therefore, it is a mixed nerve. अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसको? Yes, sir. दोनों का combination है। Just outside the spinal cord, posterior nerve root, पीछे वाले nerve root consists of spinal ganglion. Posterior dorsal root ganglion, which is a little cluster of cell bodies. ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने? जी ठीक। तो पढ़ते चले जाने बस थोड़ा सा रह गया है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया स्पाइनल नर्व का पूरा पढ़ लिया है। इसमें किसी को पूछा तो नहीं कुछ? फंक्शन वही है नॉर्मल। 31 पेयर है कोसीजियल में, एक पेयर है और सी में आठ पेयर है। सी आठ पेयर माने एक इधर एक उधर दाहिनी तरफ। और हमेशा ध्यान रखिए टी बारह है ना जी। वर्टिब्री और आपने रिब्स पढ़े होंगे, रिब्स पढ़ेंगे आप तो वो भी 12 पेयर है जी। 12 पेयर है वो इसी से अटैच होती है, इसलिए वो आकर के सारी रिब्स आकर के अटैच होंगी, इसीलिए 12 है। डॉर्सल से अटैच होती है। क्लियर जी? आगे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं तो याद आएगा, मतलब जब पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा फायदे के लिए। अब देखिए ये जो है आपको थोड़ा सा वो है, जो ये मेडुला से निकलती जब तो सर्वाइकल इनलार्जमेंट दो जगह पर आपको दिखते हैं, एक लंबर पर और एक सर्वाइकल पर। तो सर्वाइकल का इनलार्जमेंट C4 से T1 के बीच में होता है। इनलार्जमेंट माने मोटाई, मोटा मोटा हो जाता है, यहां मोटा हो जाता है। तो ये C4 से T1 के बीच में ये होता है। और लंबर में आपको होता है L2 से S3 के बीच में। मतलब इंफॉर्मेशन क्यों ले लीजिए ताकि कभी काम देगा सर। लंबर में L2 से S3 लंबर में L2 से S3 के बीच में होता है। तो एक्सेप्ट ना वो अरे वो सर इनलार्जमेंट, हाँ इनलार्जमेंट वही L2 से उसके बीच में होता है। दो दो इन वो है, दो जगह इनलार्जमेंट है बस। अब आगे प्लेक्स, हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं प्लेक्सिस गैंगलियन पढ़ लिया, प्लेक्सिस थोड़ा समझा दें बस वही। प्लेक्सिस तो अब थोड़ा समझ जाएंगे बस खत्म, हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लंबा होता जा रहा है। ये दो ही हम लोग पढ़ चुके बस। अच्छा देखिए अब ये है, तो प्लेक्सस क्या है? जब ये हमारी मिक्स नर्व जो है आगे गई तो इन्होंने क्या किया, दो बने, हमने बताया था ना कि एक वेंट्रल रामी और एक डॉर्सल रामी, दो हम लोगों ने बताया था ना, वेंट्रल और वेंट्रल रामी माने उसी के दो भाग हो गए। तो यूं आगे यूं मिली, मिलने के बाद यूं चली गई, तो वो एक बाएं एक आगे चली गई, पीछे चली जाएगी। अब ये क्या करती हैं, ये आगे जा करके ऊपर की नीचे की कई जो है इकट्ठा एक मिक्स हो जाती है। वो इधर से निकली बाएं से देखे दोनों साइड से निकली, तो इन्होंने क्या किया दोनों साइड से निकल करके और ये यूं मुड़ करके यूं गई और उन्होंने बना लिया एक अपना, वो ऊपर वाली भी आ गई नीचे वाली भी आ गई, ऐसे जो आ करके एक चौराहा बना लेगी सारी मिक्स नर्व
एक जगह इकट्ठा होकर के ऊपर की नीचे की, क्योंकि ऊपर पूरा बना हुआ ना, तो इधर से आई, इन्होंने जो बना लिया इनको प्लेक्सस बोलते हैं, जो चौराहा बना लेती हैं मिल करके, एक ग्रुप बना लेती हैं, चौराहा बनाती हैं, फिर वहां से फिर निकलती है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नर्व का। पहले तो यहां मिली, आगे पीछे वाली मिल गई, चलिए यहां कोई बात नहीं हुई, फिर यहां पर इन्होंने बाया दाया निकल गया तो मालूम नहीं पड़ा कि कौन किसका रूट है, मुश्किल। फिर उसके बाद गई और इन्होंने तीन चार प्लेक्सेस बना लिए, ऊपर ऊपर वाली तीन चार आ गई, नीचे वाली भी आ गई और इन्होंने मिल गया और फिर वहां से चली गई ऊपर नीचे। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम नर्व का कहलाता है, इट इज नोन एज प्लेक्सेस। जो चौराहा बनाती है वो प्लेक्सेस होती है। कई नर्व मिल करके एक ग्रुप बनाती है, वहां मिल जाती है। जैसे आप कोई बिजली का तार देखें तो उसमें जो अगर आते हैं गुच्छे मिल जाते हैं, फिर वहां गुच्छा चला जाता है तो हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता, वो कलर न लगावे तो हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन किसका क्या है, नहीं जी। वैसे ही यहाँ प्लेक्सेस है। अब ये प्लेक्सेस कितने, ये चार पांच प्लेक्सेस होते हैं, तो वो केवल नोट कर लीजिए ऐसे, बस आगे कुछ नहीं, बस प्लेक्सेस बता दिया। सर्वाइकल प्लेक्सेस होता है वो C4 से पांच प्लेक्सेस, सर्वाइकल प्लेक्सेस से C4 से C4, C1 से C4 तक, ब्रैकियल प्लेक्सेस C5 से T1 तक, कहीं नोट कर लीजिए, लंबर L1 से L4 तक, सैक्रल L4 से S4 तक, L4 से S4 तक, और कोसीजियल S5 से कोसिक्स 1 तक। ये पांच प्लेक्सेस आपको बता रही है। अब ये जो है आपको, ये जो है अब हमको दो वर्टिब्रा बताना। एक पहली वर्टिब्रा हम लोगों ने कहा सर कहाँ निकली थी, कहाँ से, कोई याद है किसी को? ऑसिपिटल बोन से। ऑसिपिटल बोन से वो जो अटैच हुए C1 कहलाती है। तो C1 ऑसिपिटल बोन से, ऑसिपिटल बोन से अटैच है, ठीक। तो वहां से जुड़ी हुई है ब्रेन, तो इसने इसको कहते हैं, इसको उसको नाम लिखा रखा है एटलस। एटलस करेक्ट। और एटलस क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए, एटलस नाम के एक देवता है, ग्रीको रोमन देवता है शायद। तो एटलस को ये माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखे अपने कंधे पर। ये माना जाता है कि एटलस देवता ने पृथ्वी को अपने कंधे पर धारण कर रखा है। वैसे ही इसकी आकृति देखिएगा तो आपका हेड यूं है और पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये इसने यूं धारण कर रखा तो लगता है कि इसने इतने भारी को, भार को, हेड को, पूरे स्कल को, पूरे इस भाग को धारण कर रखा है, इसलिए C1 को एटलस कहा जाता है। क्लियर? यस सर। भूलिएगा नहीं कोई, एटलस। एटलस केवल एटलस के नाम पे नहीं, जो हमारा एटलस है, एटलस माने ग्रीको रोमन देवता के रूप में, जिन्होंने माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, तो उसी तरह इसको मानते हैं कि इन्होंने ब्रेन को, सर को धारण कर रखा है, क्योंकि एक ही इसी स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हुए। और इस स्पाइनल कॉर्ड में आप देखिए ऊपर से यहां से अटैच, रिब से अटैच, रिब से और रिब्स स्टर्नम से अटैच, और रिब्स पीछे इसी थोरेक्सिस से अटैच, इसके बाद आपका नीचे जो है आपका जो पेल्विक बोन है उससे अटैच, तो ताकि पूरा स्ट्रक्चर आपका रहे, कोई आपको रहे। और प्लेक्सस वाले में जो भी बताए थे उसमें नोट कर लीजिएगा कि थोरेसिक प्लेक्सस नहीं बनाती है, बस केवल एक ही वर्टिब्री है जो नहीं बनाती है। तो थोरेक्सिक वाले उनका कोई प्लेक्सस नहीं है, केवल आपका लंबर सैक्रल कोसिक्स का और उनका सर्वाइकल का है। क्लियर? अब यहां पर सेकेंड वाली वर्टिब्री जो है आपको लास्ट में दिखाई कहीं दिखाई देगी, बस उसको समझ लीजिए,
वो आपको पढ़ने में आएगा, थर्ड सेमेस्टर वालों को तुरंत समझ में वो आप क्लियर बताएगा आ जाएगा तुरंत ही इसी सेमेस्टर। हाँ ये देखिए ये लेफ्ट वाली जो है ये एक हमारे आपके आपको भी दिखाई दे रही होगी एक जिसमें अंगूठी की तरह है, ये कौन है? एटलस। एक अंगूठी की तरह बनी ना अंगूठी है जो बीच में अंगूठी है, माने तीन तो ये दिख रही है। नहीं नहीं अंगूठी अंगूठी कौन सी दिख रही है? अंगूठी तो कोई एक ही नहीं दिखेगी, ये तो राइट में दिख रही है, राइट में दिख रही है। हाँ कोई जिसमें दो कान की तरह बने हुए हैं वही तो अंगूठी है जी। तो फिर वो इस तरफ लेफ्ट में कान की तरह जो बने निकले। हाँ हाँ वो ये आपकी एटलस है और दूसरी वाली एक्सिस है। ये ऊपर एटलस होगी तो नंबर वन C1 है, C1 के नीचे ये होगी। इसमें एक प्रोसेस है आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये जो बीच वाला जहाँ काला काला लगा हुआ है, काला काला कुछ रखा नीचे, नीचे वाले में मोटाई दिखाई दे रही ना नीचे मोटा मोटा बीच में, ये एडोन्टाइन प्रोसेस है। और यही प्रोसेस जो है मृत्यु दंड के समय यही प्रोसेस ऊपर जाके अटैच हो जाता है, अंदर घुस जाता है, जिससे कि लोगों की सांस नली खत्म हो जाती है। लेकिन नॉर्मल समयों में यही एडोन्टाइन प्रोसेस जो है आपको क्या करता है, सर को बाएं दाएं घुमाने का अवसर प्रदान करता है और एटलस की वजह से आप ऊपर नीचे देख पाते हैं। यस बोल। ऊपर नीचे देखने का काम एटलस, क्योंकि ऐसा अटैचमेंट है उसका कि आप यूं करके यूं देख सकते हैं, यूं कर सकते हैं। तो गर्दन हिलाने का काम सीवन करती है और गर्दन को ना कहने का काम जो है ये आपको करता है एक्सिस। तो इट इज नोन एज एक्सिस इज नोन एज नो बोन एंड यस बोन इज नोन एज एटलस। ठीक है अब ये हम लोग काम खत्म, हम लोग अपने पे आ जाते हैं। अब हम लोग जब इतना जान गए हैं तब हम लोग को ये पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है अब हम लोग इसमें आराम से पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं। देखिए अब इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि ऊपर जो है मेरु सुमेलन स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न तंत्रिकाओं से शरीर का संचालन होने के कारण इसको प्रमुखता इन्होंने दिया। अब क्या कहा 33 वर्टिब्री है और 4 वर्टिब्री जो है फ्यूज है, तो हमारे पास क्या मिल गई 30 हो गई। 30 होने से हमको फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ कि 300 का उपचार हम वर्टिब्री का उपचार, वर्टिब्री तो यूं है एक ही वर्टिब्री तो है जो आगे पीछे चारों तरफ घूमी हुई है, दूसरी वर्टिब्री इसके ऊपर है, ये ऐसे घूमी हुई इस तरह घूमी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये पेयर में नहीं है तो वर्टिब्री है, केवल 33 वर्टिब्री है, 33 पेयर नहीं है, एक ही वर्टिब्री है ना, घूमी हुई है उसी के अंदर अंदर है। ठीक तो 33 वर्टिब्री को मिलाकर के 30 वर्टिब्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि चौथी वाली जो फ्यूज है चार वर्टिब्री वो फ्यूज है यानी एक हो गई, तो उसकी वजह से 33 ना होकर के अब 30 हो गई। क्लियर। आसानी क्या हो गई, आसानी हो गई कि हम 30 वर्टिब्री और 30 हाथ हमारे ज्वाइंट ज्वाइंट 14 ज्वाइंट यहाँ 15वां हम लोग यहाँ कर दिया। अब हम लोग को अगर हमको मान लीजिए ये मालूम हो, कोई कहे भाई चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, मान लीजिए आपने कहा कि आपने कोई रिपोर्ट आई कि हमारे वर्टिब्रिज में प्रॉब्लम है और वो कहीं राइट कहीं ली दिया उन्होंने, राइट लेफ्ट कहा तो कोई बात नहीं, अगर लेफ्ट कह दिया तो भी कोई बात नहीं, राइट कह दिया कोई बात नहीं, जहां भी कह दिया वहां से हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत कहां से किया, कोशिक से। देखिए कोशिक को हमने कहां रखा,
मेगा मेरिडियन में, कोशिक समूह ने मेगा मेरिडियन रख दिया। और वहां से देखिए अब शुरुआत कैसे किया, S5 मेगा मेरिडियन दाहिने तरफ शुरुआत किया कोशिक राइट, उसके S5 कहां है, थंब में, S4 थंब में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे चलेगा ना, डायरेक्शन कोशिक से S5 की ओर बढ़ेगा। लेकिन अब आप याद रखिए, जैसे ही आप थंब से दूसरी तरफ करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, नहीं अभी हम लोग पढ़े थे ना शुरू में, जीरो अगर इसका है तो थंब का है, थंब में जीरो इधर आएगा, थंब में जीरो अगर इसमें करेंगे थंब में तो उंगलियों की तरफ आएगा जीरो, और यहां पर करेंगे तो थंब की तरफ आएगा, तो यानी बदल जाता है ना कहीं नियम। जी जी, जी। थंब में नियम बदला, तो नियम बदला तो S5 से ऊपर की ओर जा रही थी, अब देखिए यहां S3 ऊपर आ गई, S3 ऊपर आ गई और ऊपर से नीचे चली गई, S3 S2 S1, ये अंतर समझ में आया कि नहीं, बस यही अंतर देखना और कुछ नहीं। जैसे बोलिए तो समझ में आया, ठीक, तो अभी उसी तरह S3 S2 फिर L5 L4 L3 L2 L1 D12 पूरा हम लोगों ने करते करते, और फिर जैसे लेफ्ट में आ गए फिर देखिए एक्शन बदल गया डायरेक्शन, देखिए D11 D10 दिस नो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहां नीचे से D8 D7 6 उल्टा हो गया, फिर दोनों हाथ अलग अलग है ना, दोनों आंगों की एनर्जी का पैटर्न अलग अलग होगा, इसलिए किया गया है थंब में और उंगलियों में अंतर आया डायरेक्शन में, और वहां पर जैसे दूसरी उंगली में गई फिर डायरेक्शन बदल गया, और यहां पर C5 आते आते C4 C5 आया, और यहां देखिए फिर उल्टा हो गया, यहां नीचे से ऊपर जा रही थी लेफ्ट में और वहां क्या हुआ C3 C2 C1 हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, यही इसको हमेशा धारण कर लीजिए बस यही चाहिए। इसके पीछे कोई रीजन क्या है वो तो नहीं समझ में आया, बट ये समझ में आया सर, इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे इसमें रीजन एनर्जी पैटर्न है वो प्रोफेसर पाल देवू ने भी बताया है कि डायरेक्शन कैसे होना है, तो वो वहीं से है गारंटी, उसके बहुत वो डिटेल इतना डिटेल हो जाएगा वो संभव नहीं हो, वही बाकी समझ में आ गया कि जैसे हम लोगों ने जीरो रखा, हम लोग क्या करते हैं जीरो यहाँ रखते हैं, हेलो जीरो रखते हैं थंब में, फिर हम लोग कहते हैं उंगली की तरफ वन रखिए, हाँ सर वो चीज समझ में आ गई मुझे, तो बस जैसे वहां रखा हुआ है तो वहां कोई पैटर्न होगा ना, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज जैसे रखेंगे वैसे ही यहाँ पर आया कि जब राइट हैंड से शुरू करेंगे तो हमने मान लीजिए डायरेक्शन कोशिक से शुरू किया ऊपर की तरफ बढ़े, तो जब थंब से उंगलियों में आएंगे तो हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है कि लोग समझते हैं कि ये कैसे हो गया वहां एस टी आ गया, तो फिर जब बोला ना इससे रट गया कि ये चीज इस कारण से हो रही है कर लो खत्म हो गया, समझ लॉजिक समझ में आ गया, याद करना इजी हो जाएगा, हाँ अभी याद करिए, इसलिए कि इसका लॉजिक कहीं और बहुत लिखा होगा, वो बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा टॉपिक होगा वो, क्योंकि वो एनर्जी पैटर्न है प्रोफेसर पाल जी ने बहुत उसको डिफाइन किया कहीं, तो वो अलग है, तो मेरा हमारा कहना कि जो हमारा डायरेक्शन सीधे आ रहा है वो उंगलियों में चेंज हो गया, दूसरी उंगली में आया तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और थंब में आके फिर उंगलियों से फिर चेंज हो जाएगा, और इस तरह करके हमने कोशिक से लेकर सीवन तक आपको हाथों में कर दिया। वर्टिब्री में कोई प्रॉब्लम होगी तो राइट और लेफ्ट का हमको ध्यान नहीं देना है, हाँ अनुष्का सर बस आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, तो राइट लेफ्ट का हमको ध्यान नहीं देना है और इस तरह हम लोगों को करना है अब बस, ठीक है। अब देखिए इसका एक ट्रीटमेंट, तो अगर कोई देखिए इनमें का फ्रैक्चर कोई हो गया कुछ हो गया है तो देखिए, अगर आपको एक्सरे मिली हुई है कोई रिपोर्ट लेके आएगा तो रिपोर्ट लेके आपने देखा क्या किया, ये 2-6 कोशिक्स में फ्रैक्चर हो गया, तो हम लोगों ने जगह तुमको मालूम है कहां पर लगना है, और 2-6 सीडेट 3-4-5-7 टोन 0 टोन 9 सीडेट, क्लियर।
बोलिए इसमें कुछ चिंता, ये पहले बता चुके हैं आप लोगों को। बताया कि नहीं? यस सर। ये बता चुके हैं कि नहीं? तिवारी जी बताइए। बताए हैं सर। तो ये तो बहुत सरल है, 2 6 8 में अगर करना चाहे तो 1 और ऐड कर दीजिए, 1 3 4 5 7। हालांकि एक्सप्लेनेशन ये दिया, देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया इसी में आगे। फ्रैक्चर का पोजीशन आपको मालूम है, प्रोटोकॉल ये है, ये दिया उन्होंने, कहा कि देखिए 2 6 माने नर्व का डूबा वायु, नर्व का वेग कम करेंगे तो ये हो जाएगा, और 3 फास्फोरस जल, 4 जल है, फास्फोरस 3 है, कैल्शियम 5 है, और अगर आप करना, 7 माने दिशा को ठीक किया है। अगर दूसरा इंटरप्रिटेशन भी सामान्य इंटरप्रिटेशन है कि मान लीजिए 2 6 आपने पेन को कम कर दिया, और 3 4 5 आप देखिए बिल्कुल, 3 माने क्या हुआ, 3 माने अग्नि, तो इसको बताते हैं लोग कि जैसे मान लीजिए कोई आपको पंचर बनवाना हो तो क्या करेंगे, जल माने जोड़ना, तो बिना जल के पंचर जोड़ने में क्या करता है वो, पानी पानी डालता है कि नहीं डालता, याद करिए, डालता है सर, तो जल जल डाल दिया, अग्नि करता कि नहीं करता, कर पक्का प्लास्टर पकाता है, है ना, और 5 माने हम समझ रहे हैं, 5 माने कैल्शियम, मतलब बूंद, बूंद तो ही है, तो प्रॉब्लम है, पृथ्वी ठोसनेस या अर्थ है, पृथ्वी हो गया ठोस, मतलब जंप करने के लिए बस वही, पृथ्वी पृथ्वी है और बोन है, बोन अपने आप कैल्शियम भी बोन के रूप में है, बोन भी बोन के रूप में है, तो 5 नंबर तो वही हो गई, और 1 नंबर को 7 नंबर दिशा को ठीक कर दिया, मतलब 7 नंबर को आपने कोई ऊपर नीचे ना हो जाए इसलिए ठीक कर दिया, 7 नंबर टो कर दिया, 1 नंबर जो ऐड कर किया गया है वो कभी दोनों प्रोटोकॉल है, 2 6 8 3 4 5 7 टोन, और अगर आप करना चाहें तो 1 3 4 5 7 थ्री, 1 में क्या होगा, 1 में स्पेस, जहां काम करेगा तो वो पहले जो जो आदमी होगा पंचर बनाने वाला वो क्या करेगा, अपनी जगह कहीं भैया जरा थोड़ा हट जाइए यहाँ पर काम होना है, तो वही जगह के लिए 1 हो गया स्पेस, करना चाहें 2 6 8 1 3 4 5 7 टोन कर सकते हैं, और नहीं तो 3 4 5 7 टोन करने से भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्लियर? यस सर। यहाँ तक हो गया? यस सर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, अगर ये थर्ड ईयर का है तो मेरे को पीडीएफ दे देंगे तो थोड़ा सा मैं पढ़ लेती तो मुझे और दो तीन बार क्लैरिटी आ जाती। क्या हो गया, क्या हो गया? ये थर्ड ईयर का है ना ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत, तो अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पास बुक्स नहीं हो तो मुझे पीडीएफ दे, मतलब सेकंड ईयर का है मैडम, सेकंड ईयर का है वो तो मेरे पास है, क्योंकि आप बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम थर्ड ईयर का है थोड़ा बहुत, तो अगर कुछ वो जो नहीं, वो तो आपको बीएचबी में वाली किताब में मिल जाएगा आपको, देखिए तो। अच्छा बीएचबी में मिल जाएगा ना, ठीक है सर, उसमें बहुत नहीं, जो नहीं मिलेगा तो वो तो आप केवल इसी से देखिए, क्योंकि हमारे पास हमने